हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद हंसू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अलसी फ्लिक्स सीड से अपने बालों को स्मूथ एंड शाइनिंग बना सकते हो। फ्लिक्स से सबसे पहले मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट क्या है। फ्लिक्स सीड को यूज़ करने से हमारे बालों में जो भी ड्राइनेस होती है वो रिमूव हो जाती है, एंड इसके साथ ही साथ जो हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। हमारे बालों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, एंड जो टाइम से पहले हमारे बाल व्हाइट होने लगते हैं ये सारे दूर हो जाते हैं। एंड अगर हम इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो हमारे बाल इससे बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। तो अभी आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिक्स सीड का जेल बनाना होगा। चलो हम आपको बताते हैं कि कैसे हम उसके जेल बनाएंगे। पर हमने लिए हैं फ्लिक्स के सीड जो आधे कप हैं, और 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब गैस को ऑन करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। मैंने गैस को ऑन कर लिया, हाई फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। इसी बीच में हमने एक दो बारी इसी तरह चला लेना है, चलाते रहना है जिससे अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हो ये पकना स्टार्ट हो गया है और इसमें बुलबुले से निकलने लगे हैं। हमारा ये पक रहा है, हम इसे बीच में इसे ऐसे चलाते रहना है। एक दो बारी हमें इसे बीच में ऐसे ऐसे चला देना है जिससे अच्छी तरह पकने लगे। अभी इसने पकने में इसे कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम और लगेंगे। जब ये पक जाएगा तो इसका जल जो है बिल्कुल थिक हो जाएगा, और जब थिक हो जाएगा तो इसे हमने बंद करके गैस को बंद करने के बाद इसे हम उतार लेंगे। अभी ये हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब इस गैस को हम ऑफ करके इसे एक बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पर हमने जल को निकाल लिया है और अभी इसे हम अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल। बताऊंगे कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लें। इस तरह डिवाइड करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा जेल लेंगे और इसे अपने बालों पर लगा लेंगे। आपने बिल्कुल जड़ से इसे अपने बालों पर लगाने हैं। और बिल्कुल ऊपर से लगाते हुए बिल्कुल नीचे तक आना है जिससे अच्छी तरह ही आपके बालों में लग जाएं। नीचे की तरफ से भी आपने इन्हें लगा लेना है। थोड़ी थोड़ी पौनियाँ कर चोटियाँ करके आपने लेना है और ऊपर से नीचे तक इन्हें लगा लेना है। ये मैं इन्हें नीचे के भागों पर भी लगा ले रही जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी तरह हो जाए और हमारे बालों की प्रॉपर ग्रोथ हो। जो भी डैंडर फॉल हो या जो हमारे बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हैं वो सारे दूर हो जाएं। लगाने के बाद आप अपने बालों में कोशिश करें कि हल्का मसाज कर लें। ये आपके बालों के लिए नहीं है, अलसी के जो सीड्स हैं ये आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट है। वो उसका स्टेप किस तरह उसे यूज़ करना है और कैसे आप अपने फेस पर उसे उसके मास्क या कैसे उसके जेल को लगा सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपने ऐसे सारे बालों में इसे लगा लेना है।
लगाने के बाद आपने इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश शैम्पू करके वॉश कर लेना है। कंडीशनर नहीं लगाना है आपने, कंडीशनर नहीं अप्लाई करना, जिससे आपको पता चले कि आपके बालों पर इसका रिजल्ट क्या आया है। कंडीशनर अगर आप लगा लेंगे या यूज़ कर लेंगे तो उससे आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आप कंडीशनर ना लगाएं। अभी मैंने इसे अपने बालों में अच्छी तरह लगा लिया है और अब मैं इसे पीछे क्लचर लगा लूंगी। अगर आपके बाल बड़े हैं तो फिर आप जूड़ा कर सकते हो, या अगर आपके बाल मेरी तरह छोटे हैं तो क्लचर लगा सकते हो या इसकी चोटी कर सकते हो। ये मैंने इसमें अभी क्लचर लगा लिया है। अब 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। अभी मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हो मेरे बालों में कितनी प्यारी ब्राइटनेस आ गई है और मेरे बाल कितने ब्राइट लग रहे हैं। आप अगर इन्हें वीकली 2 बारी यूज़ करेंगे, कंटिन्यू यूज़ करने से आपके बाल 100% बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी ये वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अपने कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।